दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। पवित्र कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, इस्लाम धर्म की आन बान और शान है। इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। उन्हीं में से सबसे अहम बात आती है अल्लाह की समझ। आखिर वह कौन है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, कौन है जो सबका पिता है। कुरान को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो जीवन जीने की कई कलाएं सीखने को मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म ही इसका अध्ययन करें। कोई भी इच्छुक जो अल्लाह की विभिन्न विशेषताओं को जानना चाहते हैं वह इसे अवश्य पढ़ें। कुरान में मोहम्मद जी कहते हैं कि अल्लाह को ना किसी ने देखा है ना उसका कोई रूप है। अलग शब्दों में कहें तो वह विचित्र है जिसका कोई चित्र नहीं है। कुरान में अल्लाह के बगीचे के बारे में यह कहा गया है कि जब जब दुनिया में पाप पड़ता है तो अल्लाह आकर अपने बच्चों को इस कब्र दाखिल दुनिया से निकाल अपने उस बगीचे में ले जाता है जिसे उन्होंने बहिष्यत व जन्नत का नाम दिया है। अब सोचने की बात यह है कि जहां अलग अलग धर्मों में भगवान या गॉड कहकर जिन्हें पुकारा जाता है उन्हीं को इस्लाम धर्म अल्लाह बोलता है। क्योंकि हमारे शरीर बेशक भिन्न भिन्न धर्मों में पैदा हुए पर असल में हम सभी रूहें या कहे आत्मा है। मौत के बाद सभी को अपने घर वापस जाना है, ऐसी जगह जहां अल्लाह स्वयं रहते हैं और हम सभी का घर भी है। अल्लाह का बेशक कोई चित्र नहीं है पर उनका चरित्र उन्हें एक निराकार की आकृति देता है जिसे मक्का मदीना में भी देखा गया है। क्या आप भी मानते हैं अल्लाह का असल रूप वैसा ही है जैसा चित्र में दिखाया गया है? हमें अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।